हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 1, डिजिटल लिटरेसी फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट्स विज नेमली सीपीयू। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीपीयू के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, ओसीआर, एमआईसीआर, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। फिर उसके बाद पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर और वीडियो, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी मेमोरी जो कि होती है रैम एंड रोम, स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी मेमोरी और फिर पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। नाउडेज कंप्यूटर इज प्लेइंग अ मेन रोल इन एवरीडे लाइफ, इट हैज़ बिकम द नीड ऑफ पीपल जस्ट लाइक टेलीविजन, टेलीफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एट होम। ठीक है, इसका मतलब आजकल हमारे लाइफ में कंप्यूटर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब हमें ज़रूरी हो गया है आजकल। ठीक है, कंप्यूटर के बिना काफ़ी सारे काम हमारे रुक जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले लोग सिर्फ टेलीविज़न देखते थे, ठीक है, फिर उसके बाद फ़ोन आए, टेलीफोन्स यूज़ होने लगे या बाकी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मिक्सी हो गई, फ़ोन हो गया, फ़ोन के चार्जर हो गए, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो लाइट से चलने वाली है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली है, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आई। मिलियंस ऑफ पीपल यूज़ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मिलियन लोग, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स एंड डज कैलकुलेशंस वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली। कंप्यूटर का फ़ायदा क्या है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है जल्दी से, ठीक है, और कैलकुलेशन करता है बहुत ही जल्दी, और सबसे बड़ी बात कि एक्यूरेटली, एक्यूरेटली मतलब बिना किसी गलती किए हुए। ठीक है, वो गलती नहीं करता क्योंकि वो मशीन है, अगर हम उसको इनपुट सही देंगे तो आपको कैलकुलेशन होने के बाद सही आउटपुट मिलेगा। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। जो कंप्यूटर ये शब्द है ये कहाँ से बना है, कंप्यूट इस शब्द से बना है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। इन द पास्ट द कंप्यूटर वॉज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी अ कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। पुराने ज़माने में क्या होता था कि कंप्यूटर जो है उसे हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे, सिर्फ ज़्यादातर हम उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते थे। अरिथमेटिक मतलब कि प्लस माइनस ये वाले ऑपरेशंस जो होते हैं ये करते थे हम। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल सिर्फ हम कंप्यूटर में प्लस माइनस नहीं करते, प्लस माइनस के लिए तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। बट टुडे कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन एवरी फील्ड लाइक स्कूल्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, रेलवेज, एयरलाइंस एंड एंटरटेनमेंट आल्सो। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंस्ट्रक्शन। आजकल हम कंप्यूटर को हर जगह यूज़ करते हैं, हर फील्ड में, फील्ड मतलब हर एक क्षेत्र में, जैसे कि स्कूल में, बैंक में, हॉस्पिटल्स में, रेलवेज में, एयरलाइंस में, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर अपना पर्सनल एंटरटेनमेंट जो है उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर तब तक कोई भी काम नहीं कर सकता जब तक हम उसे कुछ बताएंगे नहीं कि क्या काम करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें उसको बताना पड़ेगा क्योंकि वो एक मशीन है। अब जैसे फ़ैन है, तो फ़ैन आप बताओगे उसको कि ऑन होना है तो वो ऑन होगा, आप बताओगे कि ऑफ होना है तो वो ऑफ होगा। ठीक है, सिलाई मशीन है वो भी आप चलाओगे तभी चलेगी, अपने आप तो नहीं चलेगी। इसी तरह से आपको, कंप्यूटर भी एक मशीन है, आपको उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स द आउटपुट टू द यूज़र।
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये इनपुट लेगा यूजर से। इनपुट मतलब कि समझो आपको दो नंबर ऐड करने हैं, ठीक है, दो नंबर प्लस करने हैं, तो आप क्या करोगे, पहला नंबर भी आप दोगे, दूसरा नंबर भी आप दोगे, और इन दोनों नंबर के साथ जो करना है, जैसे कि प्लस करना है, तो वो प्लस भी आप ही दोगे, ठीक है, आप ही बताओगे कि इसको ऐड करना है। तो ये प्रोसेस करेगा इसको इनपुट को एंड गिव्स द आउटपुट टू द यूज़र, कि ये इनपुट ले लेगा यूज़र से, कैलकुलेशन करेगा और फिर आउटपुट देगा यूज़र को। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैलकुलेटर में आते हैं, कैलकुलेटर में अगर आप दो नंबर की एडिशन करना चाहते हैं तो आप दोनों नंबर इनपुट करेंगे और जो ऑपरेशन करना है वो भी आप इनपुट करेंगे। जैसे कि अगर आपने करना है 5 + 2, ठीक है, तो 5 पहला नंबर है, 2 दूसरा नंबर है, दोनों नंबर आपने इनपुट किए, इनके ऊपर ऑपरेशन करना था प्लस, एडिशन करना था, ये भी आपने इनपुट किया। अब आपको आउटपुट देगा कंप्यूटर, अगर आप इक्वल टू पे प्रेस करेंगे तो ये आपको मिला आउटपुट, आउटपुट है 7, एडिशन करने के बाद 7 आपको रिजल्ट मिला, ये आपको शो करेगा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इस तरह से आपने देखा कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और बिना इंस्ट्रक्शंस के वो कुछ नहीं कर सकता है। जो इनपुट आपने कंप्यूटर को दिया है वो डेटा है और इंस्ट्रक्शंस है। अ कंप्यूटर कैन आल्सो स्टोर इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर में आप इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, ठीक है, इनपुट क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर जब हम देते हैं तो वो होता है इनपुट। कंप्यूटर प्रोसेसेस द इनपुट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव्स फाइनल रिजल्ट विच इज़ कॉल्ड आउटपुट, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करता है, पहले इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद में आपको फाइनल रिजल्ट देता है जिसको हम आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट, इसके बाद क्या आएगा, प्रोसेसिंग, इनपुट की प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग में होगा आउटपुट, ठीक है, प्रोसेसिंग होने के बाद मिलेगा आपको आउटपुट, और आउटपुट मिलने के बाद आप क्या करते हैं, जैसे आपने दो नंबर मिले आपको, ठीक है, आपने उसकी एडिशन की, वो आपकी प्रोसेसिंग है, आउटपुट मिला आपको 7, वो आपका आउटपुट है, ठीक है। ये सारा होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। स्टोर मतलब समझो आपने कोई भी फाइल बनाई और उसमें ये कैलकुलेशन करी, अब उसको आप फाइल को सेव करोगे कहीं पर, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल आपने कोई पढ़ाई की, आज आपने कुछ सीखा, ठीक है, वो आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया, अब आपकी कॉपी में वो चीज़ सेव है, अगर आप चाहें तो कल भी आके आप कॉपी खोल के उस चीज़ को देख सकते हैं, परसों भी देख सकते हैं, ठीक है, एक महीने बाद भी देख सकते हैं, एक साल बाद भी देख सकते हैं, जब तक आपके पास वो कॉपी है, वो पेज है, आप आके उस इन्फॉर्मेशन को, जो भी आपने कॉपी पे लिखा है, वो चीज़ आप पढ़ सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर में जो स्टोरेज होती है, वहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा होता है, ये जो हमने लिखा होता है, इसको हम फाइल में सेव करके रखते हैं, इसे हम फ्यूचर में कभी भी खोल के देखना चाहें तो हम खोल के उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, इसको बोलते हैं स्टोरेज। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, पर्पस, फंक्शनिंग, साइज, प्राइस एंड परफॉर्मेंस, कंप्यूटर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो कंप्यूटर अलग अलग टाइप के होते हैं और हम उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, या तो हम कैपेसिटी के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं, या पर्पस, या उसकी फंक्शनिंग कि वो क्या काम करता है, या उसका साइज, ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े साइज के एक स्टाइल के कंप्यूटर्स होंगे, छोटे छोटे साइज के एक स्टाइल के कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है। फिर इनका प्राइस, कि कुछ कंप्यूटर्स होते हैं बहुत महंगे होते हैं, कुछ होते हैं थोड़े से कॉस्टली कम होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर को हम माइक्रो प्रोसेसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई,
चिप का जो साइज है वो छोटा होता गया, तो चिप हमारी छोटी होती गई, वो माइक्रो होती गई, माइक्रो मतलब छोटी। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो कंप्यूटर थे उसको भी माइक्रो कंप्यूटर बोला जाने लगा। तो चिप हमारी छोटी हो गई लेकिन इम्प्रूव हो गई, उसमें कैपेसिटी जो है वो इम्प्रूव हो गई, स्पीड बेटर हो गई, और हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो साइज़ में छोटे होते गए लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी होती गई। माइक्रो कंप्यूटर आर वन ऑफ द लेटेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड दीज डेज। आजकल जो हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो कंप्यूटर। दे आर कॉल्ड सो बिकॉज दे आर डिज़ाइंड फॉर पर्सनल यूज ऑफ इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। तो जो छोटे बिजनेस यूनिट्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे ऑफिस होते हैं या फिर पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम क्या करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर यूज इन एन ऑफिस, स्कूल और एट होम। जैसे ऑफिस में आप इस कंप्यूटर को लगा सकते हो, स्कूल में लगा सकते हो या फिर आप घर पर लगा सकते हो। ओके, तो इसमें फर्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है, ये माइक्रो कंप्यूटर है जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं या पीसी कहते हैं। सो पर्सनल कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड फॉर बेसिक प्रोग्रामिंग, गेम्स, बिजनेस एंड प्रोफेशनल एप्लीकेशंस। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं हम पीसी से, हम इसमें बेसिक प्रोग्रामिंग, जैसे हम घर में छोटी मोटी जो अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं वो हम कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप जीमेल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कोई ईमेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है, और आपका एमएस ऑफिस है उसको यूज़ कर सकते हैं, एंड प्रोफेशनल एप्लीकेशंस। ठीक है, प्रोफेशनल एप्लीकेशंस होती हैं कुछ, जैसे फोटोशॉप हो गया, टैली हो गया, ठीक है, टेली कम्युनिकेशंस, डेटाबेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि हम ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तब हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक आया लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप इज पोर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट पर्सनल कंप्यूटर विद द सेम कैपेबिलिटीज एज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब देखो, ये भी पीसी है, ये भी पर्सनल कंप्यूटर है, लेकिन फ़र्क क्या है कि लैपटॉप जो होता है वो पोर्टेबल होता है, मतलब आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं। ठीक है, कहीं पे लेकर जाने हैं तो आप लेकर जा सकते हैं। जो पर्सनल कंप्यूटर में कर सकते हैं वो सारे काम आप लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइट इन वेट होता है, मतलब हल्का होता है कि आप उठा के कहीं ले जा सकते हैं, साइज़ में भी छोटा होता है। जैसे आप पीसी रखेंगे तो ये तो आप घर पर रखेंगे, पर सब समझो कि आपको बस में अपना कंप्यूटर लेकर कहीं जाना है, ठीक है, किसी ऑफिस में जाना है, तो आप ये तो उठा के नहीं ले जा सकते, तो आप लैपटॉप उठा के बैग में डाल के ले जा सकते हैं। तो इट इज़ सूटेबल फॉर ट्रैवलिंग, इट हैज़ इज ओन बैटरी एंड कैन बी चार्ज्ड इजीली एज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसकी अपनी बैटरी होती है और जब ये बैटरी डाउन होने लगती है तब हम क्या करते हैं, इसको चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, और ये हो गया लैपटॉप। उसके बाद थर्ड टाइप आता है नोटबुक। यू कैन कॉल नोटबुक अ स्मॉलर लैपटॉप। नोटबुक क्या होता है, ये भी लैपटॉप की तरह होता है पर ये छोटा होता है साइज में। नोटबुक इज आल्सो अ पोर्टेबल कंप्यूटर। ठीक है, इसको भी हम पोर्टेबल बोल सकते हैं। इट इज स्मॉलर एज वेल एज लाइट इन वेट एज कम्पेयर टू लैपटॉप। ठीक है, ये लैपटॉप से भी छोटा होगा साइज में और हल्का होगा। ठीक है, लाइट वेट होगा। इट ऑल्सो हैज इट्स ओन बैटरी। इसमें भी बैटरी होगी। ठीक है, इसकी अपनी बैटरी होगी, जैसे हमारे पास फोन में बैटरी होती है। इट कैन बी चार्ज्ड वेरी इजीली। इसको आप चार्ज कर सकते हैं। एज इट इज स्मॉल एंड पोर्टेबल सो इट इज सूटेबल फॉर यूज वाइल ट्रैवलिंग। जब आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तब आप इसको अपने साथ ले जा सकते हैं। पाम टॉप। पाम टॉप अ बैटरी पावर्ड कंप्यूटर। इट इज़ स्मॉल इनफ टू फिट इन द पाम ऑफ द हैंड। पाम टॉप क्या होता है, ये भी एक कंप्यूटर होता है, ये बैटरी पावर्ड होता है। ठीक है, इसमें बैटरी होती है। इट इज़ स्मॉल इनफ टू फिट इन द पाम ऑफ द हैंड। पाम मतलब हथेली, तो ये हमारी हथेली पे ही आ जाता है, इतना छोटा होता है। इट हैज़ अ वेरी स्मॉल स्क्रीन।
इसकी स्क्रीन छोटी सी होती है एंड कॉम्प्रेस्ड कीबोर्ड, कीबोर्ड भी होता है इसमें पर वो बहुत छोटा होता है। इट इज़ ऑफन यूज्ड एज अ पर्सनल ऑर्गेनाइजर एंड स्टोर्स मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर एक्सेट्रा। तो इसे हम पर्सनल ऑर्गेनाइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपने रोज़मर्रा के हमें काम मैनेज करने हैं, ठीक है, कोई मैसेज स्टोर करना है, कोई कॉन्टैक्ट है, ठीक है, जैसे किसी के फ़ोन नंबर वगैरह हम सेव करते हैं, फिर कैलेंडर, जैसे आपने किसी तारीख को कोई काम करना है, ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है टैबलेट। टैबलेट इज़ स्मॉलर दैन नोटबुक कंप्यूटर बट लार्जर दैन अ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो टैबलेट क्या होता है, ये नोटबुक कंप्यूटर से तो छोटा होता है, ठीक है, लेकिन मोबाइल फ़ोन से बड़ा होता है। इट इज़ वायरलेस थिन एंड पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर। ये भी पर्सनल कंप्यूटर है, ये वायरलेस होता है, मतलब इसमें वायर्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप फ़ोन है तो फ़ोन में आप वायर लगा के तो नहीं घूमते हैं, तो आप वायरलेस होता है वो, तो वायरलेस होता है ये, थिन पतला होता है काफ़ी, इसकी जो गहराई होती है वो कम होती है, पोर्टेबल होता है ये, विथ अ टच स्क्रीन इंटरफेस। इसमें टच स्क्रीन होता है, टच स्क्रीन मतलब आप उंगलियों से इसको छू कर दबा कर इसमें कमांड्स दे सकते हैं, मतलब जैसे कोई आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। इट इज़ यूजुअली बैटरी पावर्ड, तो ये बैटरी पावर्ड होता है कि इसके अंदर बैटरी होती है, जब बैटरी की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो हम इसे चार्ज कर लेते हैं। इट डजेंट हैव अ फिजिकल कीबोर्ड एंड फ्लैप लाइक अ लैपटॉप। अब लैपटॉप में क्या होता है कि फिजिकल कीबोर्ड होता है अलग से, जैसे अब हमने अपने फ़ोन देखे हैं, फ़ोन में आपने देखा होगा कि आजकल अलग से तो कीबोर्ड नहीं आता, सिर्फ स्क्रीन होती है ना, तो फिजिकल कीबोर्ड नहीं है, वैसे ही टैब में एक फिजिकल कीबोर्ड नहीं होता है और फ्लैप नहीं होता लैपटॉप की तरह। जैसे लैपटॉप आप ये जो लैपटॉप होता है इसको आप खोलते हैं बंद करते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है ना कि स्क्रीन को आप बंद करते हैं खोलते हैं, तो वो चीज़ इसमें नहीं होती है, ये ऐसे ही होता है जिस तरह से दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर हैज़ मोस्ट ऑफ द फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ लार्ज कंप्यूटर। ठीक है, जो एक बड़े कंप्यूटर में होता है वो सारी चीज़ें, मेन मेन जो फीचर्स हैं और जो उसकी क्षमताएं हैं वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इट इज़ एक्चुअली द स्मॉलर वर्जन ऑफ लार्ज कंप्यूटर। बड़े कंप्यूटर का ये एक छोटा वर्जन समझ लो। दे ऑफर सेम कंप्यूटिंग पावर एज बिगर कंप्यूटर्स। जैसे कि बड़े कंप्यूटर्स में जो पावर होती है, कंप्यूटिंग पावर मतलब कैलकुलेशन करने की पावर, वैसी ही इसमें भी वही होती है। इट इज़ चीपर इन कॉस्ट, स्मॉल इन साइज एंड रिलायबल। ठीक है, ये सस्ता भी होता है, साइज में छोटा होता है और रिलायबल होता है। रिलायबल मतलब आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, आप इसमें काम कर सकते हैं। रिलायबल मतलब विश्वसनीय, भरोसेमंद। इट इज़ मेनली यूज्ड इन साइंटिफिक एप्लीकेशंस। तो साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मिनी कंप्यूटर फॉर साइंटिफिक यूज़, ये भी मिनी कंप्यूटर है। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।